फ्रेंड आज आपके बीच में शेयर करने वाली हूँ बरबटी और परवल की रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी। बरबटी और परवल को कट कर लेना है छोटे टुकड़ों में, तो इसको कट करके कढ़ाई में तल लेना है। तो इनको तल के फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 मिर्ची ले लेना है, 3 प्याज और लहसुन। तो इनको मैं बारीक पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। तो मिर्ची मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ, अधिक तीता हमको नहीं बनाना है। आपको अधिक तीता बनाना हो तो मिक्स कर सकते हैं। 1 से 1.5 इंच अदरक अब यहाँ पर पीस के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बन गया है। तो गैस ऑन करके कढ़ाई रखते हैं। अब तेल गर्म होने पर 2 से 3 तेज पत्ता डालना है और हल्का सा ब्राउन होने का इंतज़ार करने हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 लौंग और 2 मिर्च डाल रहे हैं और इनको भी थोड़ा से पकाएंगे। अब यहाँ पर 1 इलायची लेना है और इसको भी ऐसे ही डालना है, खड़ी इलायची। तो इसके बीजे निकाल दें इसमें और इसको पक जाने देते हैं थोड़ा से। और बहुत अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। यहाँ पर लहसुन भी ऐड कर लिए हैं, अब हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। जीरा ऐड कर लेना है। यह रेसिपी बनाने का बहुत ही यूनिक तरीका है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच बारीक कटी हुई अदरक ऐड करना है। तो ये सब पक के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन मिर्ची का प्याज को जो बारीक कटा हुआ पेस्ट बनाई थी उसको ऐड कर लेना है और इसको चलाते रहना है, हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। अब इसमें ऐड करना है चिली पाउडर। तो यहाँ पर चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब थोड़ा से ऐड करना है गरम मसाला। अब ऐड कर देना है स्वाद अनुसार नमक। अब इसको चलाना है, गैस को स्लो फ्लेम ही रखना है, तेज नहीं करना है। और यहाँ पर आ गया सब्जी मसाला। अब इसको चलाते रहना है, थोड़ा से पानी ऐड करना है। पानी इसलिए ऐड करना है ताकि सब्जी का जो स्वाद रहे ना बहुत बेहतरीन रहे और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए, पक चुके हैं। तो इनको चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए और हमको पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। और यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, हमको पानी गर्म ही उपयोग करना है, ठंडा पानी उपयोग नहीं करना है। तो फिर से पानी पक गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़िया सा तेल छोड़ रहा है। अब यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर सारा मसाला कितना बढ़िया परफेक्ट बना है और बन के रेडी है। तो यहाँ पर चलिए मैं ऐड करती हूँ परवल और बरबटी। तो इनको भी चलाना है इसी तरह से मिक्स करके। और यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही न्यू तरीके से बहुत ही टेस्टी बनी है ये रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनी है। आप लोग देख सकते हैं, देखने से यकीन हो गया होगा आपको। तो फ्रेंड आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आपकी सब्जी बनेगी और उंगलियों को तो चाटते रह जाएंगे, बिल्कुल उंगली चाट चाट के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब यहाँ पर मेरे को गर्म पानी ही उपयोग करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गर्म पानी ही मैं ऐड कर रही हूँ और गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको चलाना है। और इसको ढक्कन लगा के ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। जो इसकी खुशबू रहेगी बहुत बेहतरीन रहेगी। तो थोड़ा से पानी और ऐड कर देते हैं, इसका जो जूस है वो गाढ़ा लग रहा है। तो यहाँ पर बनके हो गई है रेडी और ढक्कन लगा के ढक देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गया है और बढ़िया सी टेस्टी सब्जी बनके रेडी है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ऐसे ही न्यू रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन दबा के रखना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और देख सकते हैं आप लोग कितनी परफेक्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी बन के रेडी है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो प्लीज़ यह रेसिपी पसंद आपको आई होगी, यकीन हुआ होगा हमको। आप इस ट्रिक से ज़रूर बनाएं और बना करके एक बार टेस्ट ज़रूर करें, वो भी मेरी ट्रिक से बनाएं। और मेरी ट्रिक फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और ढाबा स्टाइल में आपकी रेसिपी बनेगी। और यकीन नहीं होगा तो आप बना करके ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा। और चलिए गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब